आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ स्टाइल में सभी इतना बिजी हो गए हैं कि किसी के पास बैंक जाने का भी टाइम नहीं है। सभी अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अन्य एप्लीकेशन से करते हैं। ये तरीके काफ़ी आसान और सुविधाजनक तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह इन एप्लीकेशन की मदद से आप एक क्लिक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे ही आपका किया हुआ एक क्लिक आपको भारी नुकसान दे सकता है। जिस तरह से चीज़ों को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया है, उसी तरह फ्रॉड करने वाले भी अपडेट हो गए हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आपको दो चीज़ों के बीच अंतर को समझने की ज़रूरत है। जब भी आप पेमेंट की प्रोसेस कर रहे होते हैं या ये कहें कि आप पैसों का लेन देन कर रही हो, तो दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक ऑप्शन होता है पे और दूसरा ऑप्शन होता है पैड। पे का मतलब है किसी और को पैसे देना और पैड का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन साइट पर अपना कोई सामान बेचने के लिए डाला है, वहाँ कोई ख़रीदार आपसे सामान को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट देने की बात कर रहा है और आपके पास एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपको पे नाम का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आप ये मत समझिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और आपको एप्लीकेशन को पेमेंट करना है। ये सब उस फ्रॉड का करा हुआ है जो अपने अकाउंट में आपसे पैसे डलवा रहा है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझिए। एप्लीकेशन में मौजूद हेल्प डेस्क से भी आप मदद ले सकते हैं और ठगे जाने से बच सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।